अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज दुआ करें। रियान आजाद ऐसे कैसे कर सकता है, उसे क्या हो गया है? वो कह रहा था वो ये शादी नहीं होने देगा। आहिस्ता बोलो, देखो ऊपर सब मेहमान आए हुए हैं। तुम इधर आओ मेरे साथ। रियान बेटा ऐसे कुछ नहीं होगा, देखो आजाद कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। तुम्हारे दादा इसको नहीं रोक सके तो वो कौन होता है रोकने वाला? अगर वो तुम्हारे बाबा के पास जाएगा तो क्या होगा, जाने दो उसे। बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अम्मी अगर मेरान को पता चल गया तो क्या होगा, मुझे डर लग रहा है बहुत। परेशान मत हो, अगर आजाद ने कुछ कह भी दिया तो मेरान उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। तुम इस बात को दिल पर मत लो, ठीक है? वैसे भी आज तुम्हारे लिए ये खुशी का दिन है, समझ रही हो ना तुम? मैंने आजाद भाई की आंखों में देखा, मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं शादी को रोकने के लिए। अब भी मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। अल्लाह ने तुम्हें और मीरान को एक दूसरे की किस्मत में लिख दिया है, तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। अब तुम्हारे नसीब में सिर्फ खुशियाँ ही लिखी हैं। चलो अब रोना बंद करो। अंकल अभी चुप रहो, ऊपर चलो। इनको क्या हुआ है? आओ। क्या हुआ है आखिर, मसला क्या है तुम्हारा? अंकल हाँ, रियान की शादी आप मीरान से मत करें, वो होता कौन है हमारे खानदान में रिश्ता करने वाला? तुम क्या कह रहे हो, होश में तो हो आजाद? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, हुआ क्या है? हाँ? तुम आखिर होते कौन हो मुझे ये कहने वाले कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उधर ना दूं? अंकल मैं कह रहा था कि आप करो। घर के बड़ों ने फैसला कर लिया इस बारे में, तुम्हें कोई हक नहीं कि इस फैसले पर बात करो। अंकल आजाद बस बहुत हो गया अब। रियान से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं, चाहे आप मुझे मार ही डालें लेकिन मैं उसकी शादी उससे नहीं होने दूंगा। भाई रियान से प्यार करते हैं? मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम, ना तुमने ये बात कभी की है और ना मैंने कभी सुनी, समझे तुम? कल रियान की डोली इस घर से उठेगी, तुमने अगर कुछ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। अगर ना रुका तो मार डालेंगे ना, तो मार डालें। अगर आपने रियान की शादी उससे कर दी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। मेरी हालत क्यों नहीं देख रहे आप? मैंने तुम्हें पाला है, अपने बेटे की तरह समझा है तुम्हें, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरी बेटी को ऐसी नजर से देखा तुमने। अंकल मजबूर मत करो, मजबूर मत करो मुझे कि मैं तुम्हें मार दूं। अगर तुम बाज ना आए तो मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम भतीजे हो मेरे। आजाद भूल जाओगे तुमने कभी ये बात कही थी, समझ गए ना तुम? भाई आपको रियान से मोहब्बत है क्या? चली जाओ यहां से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आपने ये बात सबसे छुपाई? कैसे, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? बताता तो क्या करती? क्या करती मैं? हाँ हाँ बताओ मुझे क्या करती तुम? मैं ये करती कि रियान के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल देती और शादी कर लेते आप दोनों,
तुम इतनी ही काबिल होती, तुम ईरान के दिल में अब तक अपनी जगह बना चुकी होती। ओफो भाई, अगर आप उस वक्त चुप ना रहते और सबको बता देते तो आज आपके साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। मगर अब कोई फायदा नहीं, रयान मीरान से प्यार करती है और अब उसे शादी कर रही है। झूठ है ये सब कुछ, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मीरान इस हवेली से भागने, झूठी तसल्लियां मत दें आप खुद को। लेकिन सच ये है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं और मैं जिससे प्यार करती हूँ, वो दोनों कल शादी कर रहे हैं और ये सब आपकी खामोशी का नतीजा है। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हार गए हम, हार गए हम लोग। आप हार गए होंगे, मैं नहीं। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। निकलो, निकलो गाड़ी से। क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या मसला है तुम्हारा? हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और तुम एग्री थी इस प्लान से, अब अचानक से तुम क्यों प्रॉब्लम कर रही हो? मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ मीरा? हाँ तुम कर रही हो। अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता तो क्यों आई थी? लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये शादी के बाद एक दिन भी तुम मेरे साथ नहीं रहे। मुझे कहा गया था कि हमारे बच्चे होने के बाद मीरान अपनी इंतकाम की आग को भूल जाएगा। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया ताकि ये मामला खत्म हो और तुम जल्द मेरे पास आ जाओ। मैं सिर्फ इस उम्मीद पे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मीरान, मगर अब नहीं, थक गई हूँ, उससे बर्दाश्त नहीं होता। देखो गुनाल, मैं इस दिन का बरसों से इंतजार कर रहा हूँ और इस वक्त मैं तुम्हारी ये बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो तुम अपने शहर कार्स वापस चली जाओ। मैं कोई बहाना बना लूंगा कि तुम्हें किसी वजह से शहर से बाहर जाना पड़ गया है। हर मसले का हल है तुम्हारे पास, सिर्फ इसका नहीं है, है ना? मैं तुम्हारे इस इंतकाम में कहां पर हूं? किसी के साथ बुरा नहीं किया मैंने, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। मुझे समझ नहीं आता आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है गोनल? हाँ मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है? मैंने खुद को इस इंतकाम की आग के साथ बड़ा किया है गोनल। मुझसे कहा गया कि अपनी चचा की बेटी से शादी कर लो और मैंने चुपचाप कर ली। अपने मां बाप का बदला लेने के लिए मैंने सब कुछ किया। बताओ मेरा क्या कसूर है? मैं जानना चाहता हूं गोनल। मीरान सब भूल जाओ और हम दोनों यहां से चले जाते हैं। फिर जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा मीरान। फिर शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए मीरान। मोहब्बत नहीं है मेरे अंदर, मेरे अंदर इतनी नफरत जमा हो चुकी है कि मोहब्बत की जगह नहीं। ख्याल से जाइएगा। शुक्र है आज का फंक्शन अच्छा रहा, बस दुआ है कि कल का दिन भी ऐसा ही रहे। इंशाल्लाह। अब हमें चलना चाहिए, फरहत भी आ गया है और कल का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हमारी इज्जत रखे। आमीन आमीन। बिल्कुल, आज हमें बहुत मजा आया, बहुत से लोगों से मुलाकात भी हुई, बहुत एंजॉय किया। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।
एक मिनट रुको। तुम्हारे अबू से बात हुई थी मेरी। क्या आजाद भाई ने उनसे बात की? अम्मी हाँ की है। ओए अल्लाह, अब क्या होगा हमें बताए। फिक्र नहीं करो, तुम्हारे अबू है ना बेटा। तुम्हारे अबू ने आजाद को खामोश करा दिया है, उसको ऐसा जवाब दिया है कि आइंदा वो अपनी जबान नहीं खोलेगा। अब तुम इस बारे में मत सोचो। पक्की बात है ना? हाँ। अब कोई तमाशा नहीं होगा बेटी, कोई तमाशा नहीं होगा। कहा था ना कि तुम्हारे अबू सब ठीक कर देंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह कल तुम यहाँ से चली जाओगी और नई जिंदगी शुरू करोगी, हंसी खुशी एक आसाद जिंदगी जिसमें गम की कोई जगह नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मी, चले अंदर चलते हैं। चलो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सही कहा आपने। क्या मतलब है? वहां मेरे शौहर की मेहंदी हो रही है और आप मुझसे कह रही हैं कि ठीक नहीं लग रही मैं। बकवास बंद करो। बकवास बंद करूं? बर्दाश्त करो गोनल, सब्र करो गोनल, क्योंकि इंतकाम लेना है ना दादी अम्मा। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, इंतकाम लेना। ऐसे ही है ना, बस अब बहुत हो गया। उम्मीद है इस थप्पड़ को कभी नहीं भूलोगी तुम। 27 साल से अपने बेटे और बहू के इंतकाम का इंतजार कर रही हूँ मैं। आइंदा मेरे इंतकाम के बीच कभी भूल कर भी ना आना। लेकिन आपको नहीं पता, आपने नहीं देखा कि उस लड़की को कैसे देखता है बिरान। बिरान उस लड़की को देख के कैसे मुस्कुराता है, आप नहीं जानती। जानती हूँ, तुम्हारी माँ का फोन आया था। बताया है उन्होंने? ये भी बताया होगा कि उस लड़की के सामने कैसे घुटने के बल बैठकर उससे बातें की और उसको भूल दिए है। कैसे उस लड़की का हाथ पकड़ा था ये भी बताया था। बिरान उस लड़की से प्यार करता है, आप क्यों नहीं समझ रही? मुझे न तुम पर यकीन है और न तुम्हारी माँ पर, मुझे सिर्फ खुद पे यकीन है। मीरान की परवरिश मैंने की है, मेरा शेर पोता ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस मौजू पे अब दोबारा कोई बात नहीं होगी। लेकिन दादी जान, गोनल तुम मेरी पोती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सिर्फ एक दिन और तुम्हें सब्र करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मीरान सिर्फ तुम्हारा है। मीरान को मैंने वहां क्यों भेजा तुम जानती हो? तुमने आज तक मुझे अपनी बात से मुकरते कभी देखा है? संभालो खुद को, जब तक मैं कुछ नहीं कहूंगी कुछ तब्दील नहीं होगा। पहले इंतकाम लेगा मीरान, फिर उसके बाद ही तुम्हारे साथ रहेगा। आज रात के बाद हम हमेशा साथ होंगे। एक मिनट, जब तक मैं ना कहूं अंदर मत आना। क्या कर रही हो?
दादी जान। मतलब सुल्तान जो कह रही थी ठीक था वो सब, यानी तुम्हारी अक्ल और दिल दोनों भटक गए हैं मीरान साहब। दादी जान आप यहाँ क्यों आई हैं? अगर किसी ने आपको यहाँ पहचान लिया तो। मुझे आना ही पड़ा यहाँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। सालों से जो शह सबसे छुपा कर रखी थी वो लाई हूं तुम्हारे लिए मीरा। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे मां बाप की मंगनी की अंगूठी है। इज्जत और नामोस की निशानी है। सालों से तुम्हारे लिए छुपा कर रखा था। देखो अंगूठी पर अभी तक खून के निशान मौजूद हैं। जिस वक्त उस दरिंदे खिजर ने तुम्हारी मां की इज्जत पे हाथ डाला उस वक्त तुम्हारी मां ने यह अंगूठी पहनी हुई थी। उन्होंने तुम्हारे बाप को मार डाला, तुम्हारी मां को अगवा किया। उस दिन को हमारे खानदान का सबसे भयानक दिन बना दिया, हमारी गैरत को ललकारा। जब तुम्हारी मां ने उसकी बात नहीं मानी तो उन्होंने तुम्हारी मां को उसके बालों से पकड़कर घसीटा। इसके बावजूद भी उसने अपनी अंगूठी नहीं उतरने दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन जालिमों ने बस नहीं किया, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। और कुछ मत कहिए प्लीज। उस दिन का सोचो, अपनी मां का सोचो, कितना रोई होगी, खौफ सदा होगी, दुश्मनों से रहम की भीख मांगी होगी उसने। जान पास। जब भी वो मंजर सामने आता है मेरा दिल जलने लगता है मीरान, आग लग जाती है चारों तरफ। बताओ मुझे, तुम शादुलों से अपनी मां का इंतकाम लोगे ना? हाँ बोलो मीरान। सुना है कि तुम्हें अपने बाप के कातिल की बेटी से प्यार हो गया है। तुम्हारे माँ बाप की हड्डियां कब्रिस्तान में पड़ी मुझसे ये सवाल कर रही हैं, कब हमें सुकून मिलेगा, कब हमारा इंतकाम लेंगी आप उनसे? चुप कर जा दादी जान, चुप कर जा, चुप, खुदा के लिए चुप कर जा, चुप कर जा। मेरे पोते, दिल में लगी आग एक रोज बुझ जाती है, लेकिन तुम इस आग को बुझने ना देना। भूलना मत, किसी ने भी तुम्हारी मां के बहते आंसुओं पर रहम नहीं खाया, किसी ने भी उसकी हुरमत का पास नहीं रखा, उसके साथ बहुत जुल्म किया। ये तुम पे कर्ज है। बताओ मुझे, तुम अपनी मां का बदला लोगे या नहीं? आज मैं कसम खाता हूं, ना मैं उन पे रहम खाऊंगा ना मेरे हाथ कांपेंगे। ये इंतकाम जरूर पूरा होगा और इंसाफ होकर रहेगा। तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपने चाहिए मीरान, इंसाफ तभी होगा। इस अंगूठी को हमेशा अपने दिल के पास रखना ताकि तुम्हें अपनी मां का इंतकाम लेना याद रहे। याद रखना कि तुम्हारा जहन अपने मकसद से कहीं ना भटके। सच सच बताओ मुझे। बिल्कुल, मीरान ने बिल्कुल सच कहा था। Thank you.
बस करो। नहीं मुझे अभी। दादी अम्मा कह रही है कि वीरान तुम्हारा है, लेकिन वो कल उस लड़की से शादी कर रहा है। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ ये सब, कल उनकी शादी हो रही है। अरे ये भी तोड़ो, ये भी, सब कुछ तोड़ दो। रुक क्यों गई? क्या हुआ? तोड़ो ये लो, लो ना। रुक क्यों गई? अभी तुम चीजें तोड़ रही थी ना, तुम्हें इंतजार किसका है? हाँ पूछोगी नहीं मुझसे कि कौन हो तुम मेरी? आपकी बेटी। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सबसे पहले तुम मीरान की बीवी हो, समझी तुम? उसके बाद तुम मेरी बेटी हो। अब मुझे बताओ कि कौन हो तुम, बताओ कौन हो? मैं मीरान असलान बे की बीवी हूँ। असलान बे की तरह बिहेव भी करो, जानती हो ना असलान बे कैसे होते हैं? असलान बे अपने वादे और जुबान के लिए सब कुछ लुटा देते हैं, जानती हो ना? अबे आज मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैरों से जमीन निकल गई हो। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुमसे कोई ज्यादती करके देखे तुम्हारी माँ ये होने देगी क्या? मैं जब तक जिंदा हूं मेरी बेटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना वो अजीजा और ना मीरान, कोई भी नहीं, समझी तुम? मैं अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अजीजा इस्लाम के नौकर हैं। देखो मेरी बेटी, उस अजीजा ने एक दिन मरना है, तब यहां सिर्फ मैं और तुम ही रहेंगे। इस हवेली की शहजादियां हम तुम होंगे, लेकिन हम एक वारिस की जरूरत है, और ये वारिस बेटा ही हो, और ये तुम्हें मीरान देगा। इस बात को हरगिज ना भूलना, समझी तुम? इसलिए उस दिन तक जो कुछ तुम्हें कहा जा रहा है बस चुपचाप करती जाओ। जैसा कि अजीजा ने कहा कि एक दिन मीरान सिर्फ तुम्हारा होगा, समझ रही हो ना? समझी के नहीं? जाओ अपनी आंखें साफ करके सो जाओ, कल एक बड़ा दिन है हमारे लिए। तो मेरा मौजा मीरान था, और आज ये मौजा हो जाएगा। मीरान से मिलने के बाद मैं अपने पुराने सारे दुख भूल गई हूं। इस हवेली में आज तक मैंने जितने दुख और तकलीफें उठाई हैं वो आज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आज मेरी शादी है। और आज एक आजाद चिड़िया की तरह इस पिंजरे से निकल जाऊंगी। मीरान, मैं यहां हूं दादी जान। तुम्हें उठाने के लिए आई थी दादी की जान, तुम तो मेरे आने से पहले ही उठ गए। आज वो दिन आ गया है दादी जान, जिस दिन का हमें 27 सालों से इंतजार था। आज जाके तुम्हारे माँ बाप को अपनी कब्रों में राहत मिलेगी, फख्र करेंगे वो तुम पे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें दादी जान, आज के दिन को शादुलू फैमिली कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। जैसे हम उस गम को नहीं भूल पाए आज तक, उस गम में तड़पते रहे, वो भी आज के बाद ऐसे ही तड़पेंगे। मीरान, हेडरेसर आ गया, फ्री हो तो बुला लूं? बुला लो। आज असलान बे खानदान के लिए खुशी का दिन है, और शादलू वालों के लिए गम का। तैयारी कर लो सब अपनी।
सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। क्या वाकई? बिल्कुल। हेयरड्रेसर को अंदर भेजो। रोटियां गरम गरम है। मलाइका जल्दी से मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो। शादी के कामों में इतना फंसा हुआ हूं, कुछ नहीं खाया। ठीक है रजा, अभी बना कर देती हूँ मैं। रजा, तुम्हारी शादी कब हो रही है? कब हमें खुशखबरी सुनाओगे तुम? अरे आपा, शादी करना आसान काम है क्या? कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही जिससे शादी की जाए। ये क्या बात हुई? अपने आस पास तो देखो तुम, बहुत सी खूबसूरत लड़कियां दिखेंगी तुम्हें। जरा दिल की आंख से तो देखो। क्या बात की है, कहाँ है लड़कियां? भाई मुझे तो अपने आसपास कहीं भी नहीं दिखती। अरे इसे तो भूल ही गया था मैं, सबसे प्यारी लड़की तो ये बैठी है। गुल, क्या हुआ है बेटा, रो क्यों रही हो तुम? ओ मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्यों रो रही हो मेरी बच्ची, बताओ मुझे। नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? अगर बता दो तो हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ मैं मीरान से शादी करना चाहती थी, लेकिन आपे को बुरा ना लगे इसलिए खामोश हो गई। हंस क्यों रहे हैं आप लोग? हम तुम पर हंस तो नहीं रहे गुल खानम। हाँ मेरी जान, लगता है तुम्हें भी प्यार हो गया है। हाँ मुझे भी प्यार हो गया है। अरे अरे मेरा बच्चा, ओ क्यों उदास हो रही हो तुम? हम तुम्हें दुल्हन का ड्रेस पहनाते हैं, ठीक है? चलो उठो, अब उदास मत होना तुम। चलो आओ। शाबाश भाई, शादलो खानदान की लड़कियां मीरान पर आशिक हो गई हैं। मैं जाकर देखती हूँ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? हाँ ठीक है, तुम जाओ। मलाइका, क्या हुआ मलाइका? जिसने मुझे तैयार करना है अभी तक नहीं आई है, प्लीज उसे कॉल करो। हाँ वो मैंने कॉल की थी, आने वाली है, रास्ते में ही होगी। अच्छा मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा, लगता है रात भर नींद नहीं आई। बस अम्मी बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। मैं समझ सकती हूँ, दुआ है तुम्हें किसी की नजर ना लगे। इंशाल्लाह तुम्हारी नई जिंदगी बहुत खुशियों भरी होगी। इस कैद खाने से तुम्हारी जान छूट जाएगी, और खुशी की बात यह है कि जिससे मोहब्बत हुई उसी से शादी हुई। अम्मी आप मुझसे नाराज हैं क्या इस बात पे? अरे नहीं, ये क्या कह रही हो, बल्कि मैं तो खुश हूँ। ना ही अब दादा गुस्सा करेंगे, और ना ही यारीन की अब चलाकियां चलेंगी। तुम्हें कोई भी किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, तुम किसी की परवाह मत करो, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो आज तुम्हारा खुशी का दिन है, हमें तड़पता छोड़कर तुम खुशियां मनाओगे रियान साहिबा। तुम्हारा सबसे खुशी का दिन है ना, मना लो खुशियां अपनी तुम। हाँ कैसे मनाती हो तुम, मैं देखती हूं अब, देखती हूं मैं कि तुम कैसे खुश रहती हो। हम
हम सबको तकलीफ देकर। देखती हूँ मैं। यारन, क्या कर रही हो तुम? मेरा वेडिंग ड्रेस, ये क्या कर दिया? ये क्या किया तुमने? हाँ, बहुत अच्छा किया है मैंने। ये तुम्हारी खुशियों का जोड़ा है ना, अब पहनो इसे। बहुत हो गया यारन, तुम्हारी बकवास बहुत बर्दाश्त कर ली। मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, बस कर दो यारन, बस। ऐसा ना हो कि मेरा सबर खत्म हो जाए। तो क्या करोगी तुम? हाँ, हटो पीछे। क्या करोगी तुम? मारोगी मुझे? इतनी हिम्मत है? मारो, मारो मुझे। हो गई हो क्या? बहुत हो गया, तुमने पागल कर दिया है मुझे। बस बहुत हो गया। जहान, देखो तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। क्या चाय? कैसी चाय? बाबा ने चाय के काबिल छोड़ा कब है? ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कहा अब्बू को। वैसे मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, तुम्हें खुद बात करनी चाहिए थी। उस शर्मिंदगी के बाद मैं क्या बोलता हूँ जहान। चाचू, मैं कैसे लग रही हूँ? ये ड्रेस बाबा लाए हैं मेरे लिए। हाँ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल एक परी की तरह। गुल, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो आओ, तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। चलो नाश्ता कर लो पहले। जल्दी चलो, जल्दी चलो। यारिन पागल हो चुकी है, चीजें उठा उठा के फेंक रही है। जल्दी चलो। ओ खुदा के लिए, कभी तो इस घर में सुकून रहने दो। यारन, प्लीज नहीं करो, प्लीज छोड़ दो यारन, खुदा का वार कर दो। यारन, रुको। यारन, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, छोड़ो, पागल हो गई हो। मेरी शादी का जोड़ा। ये तुमने किया है यारन? हाँ, मैंने किया है। काश कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ऐसे पुरजे कर सकती मैं। बस करो, बहुत हो गया। यारिन, तुम्हारा मसला क्या है? रेयान ने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया। हिम्मत है तो जाकर दादू से बात करो, तुम इंसान बनो। बाबा, बाबा, चाचू, जल्दी आइए। अब एहसास हुआ तुम्हें? हाँ, किसी की मोहब्बत छीन कर कैसा लगता है? बस चुप। अगर तुम्हारे मुँह से एक बात और निकली तो खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला घुट दूंगी, समझी तुम? हो क्या रहा है यहाँ? दादा जान, यारिन आपी ने शादी का जोड़ा फाड़ दिया है। असल में रेयान ने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही कि मुझे गुस्सा आ गया। आप लोग मुझे बच्चों की परवरिश के बारे में बातें सुना रहे थे ना? यह है आप लोगों की परवरिश की हुई औलाद। भाई, मैं इसे समझाता हूँ। काश तुम इसे पहले समझा देते, इतना इंतजार फिर क्यों किया? काश ये काम बहुत पहले कर देते। ठीक कह रहे हैं। रेयान जब घोड़े से गिरी थी तब समझा देते। दादा का वॉलेट चोरी किया था और इल्जाम रेयान पे लगाया था तब समझा देते। अगर उस वक्त इसको अच्छी तरह समझा देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें। खैर, अब ये बहस बंद करो, तुमने जो कहना था कह दिया। जहरा, तुम फौरन मार्केट जाओ और नया जोड़ा लेकर आ जाओ, और याद रखना ये बात किसी को पता ना चले, समझ गए सब? समझ में आ गया सबके? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी बेटी, मैं तुम्हें नया जोड़ा ला दूंगा, परेशान ना हो। जानती हूँ ना, आज का दिन बहुत अहम है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। और तुम्हारे बाबा ने भी तो कहा है ना, परेशान मत हो, वो तुम्हारे लिए नया जोड़ा ला देंगे। मैं उससे भी पार। यारिन, चुप करो। खानदान, ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से पहले कि कुछ गलत हो जाए। यारिन, चलो यहाँ से, चलो, पागल हो गई, बिल्कुल पागल, चलो यहाँ से। ये मीरान का गिफ्ट था, उसने कहा था उसकी अम्मी ने स्पेशली भेजा है, अगर उसे पता चलेगा कि इसका ये हाल हुआ है तो वो समझेगा मैंने कदर नहीं की और ये यारिन ने किया, ये बता नहीं सकती। नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। हाँ हाँ। कह देंगे कि स्त्री करते हुए जल गया था, हम कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। हाँ मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ।
जहरा मैडम, मेहमान आ गए हैं, नीचे कोई भी नहीं था तो मैंने उन्हें अंदर बिठा दिया है। आप ऐसा करें, किसी को नीचे भेज दें। हाँ हाँ ठीक है, आप ऐसा करें, जल्दी से मेहमानों के पास जाएं। चलो जल्दी, ठीक है, तुम भी जाओ कुल। चलो, मुझे लगता है मुझे भी मेहमानों के पास जाना चाहिए, और आप बिल्कुल उदास ना हो। प्यारी बेटी, चलो जल्दी आ जाओ। दिल छोटा ना करो, हम नया ले लेंगे ना। रो नहीं, ये लोग अपना कल्चर ही भूल गए हैं शायद, कोई मेहमानों से मिलने ही नहीं आया। हाँ ठीक कहा, कितनी बुरी बात है। तुम मुझे कहने के बजाय पहले अपनी हालत देखो। याद है ना तुम्हें कल क्या समझाया था, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कि जैसे किसी मैयत पे आई हो। अम्मी, इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ठीक कहा आपने, जी हाँ, यहाँ मौत ही हुई है, गोनल अस्लान बे की मौत हुई है। या अल्लाह, तो उसको अकल दे। अम्मी, इस दुनिया में अपने शोहर की शादी पे जाने वाली कितनी बीवियों को आप जानती हैं? अब कल की तरह दोबारा समझाना होगा? अपने होंठ सीलो, अब दोबारा एक लफ्ज न सुनो तुम्हारे मुंह से। खुशामदीद सुल्ताना आंटी। खुशामदीद गोनल। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारी बेटी का नाम क्या है? खानम, गुल खानम। मुझे लगता है ब्यूटीशियन को बुलाया था तो वो आ गई है, मैं देख के आती हूँ। बेटी आराम से, पार्लर वाली अभी नहीं आई है। माफ कीजिएगा सुल्ताना बेगम, हम आपको वेलकम नहीं कर सके। असल में शादी की तैयारियों की वजह से सारे इधर उधर अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। अल्लाह रहम करे हम सब पर। अभी जहरा बेगम आती ही होंगी, मैं जब तक आपके लिए शरबत बना के लाती हूँ। ठीक है, ले आओ। शरबत ही लाएगी सिर्फ। रेहान, मैं मार्केट जा रही हूँ। अम्मी आप कैसे जा सकती हैं? सुल्ताना आंटी वहां बैठी हुई हैं, उनके पास कौन बैठेगा? मैं चली जाती हूँ ना, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बेटी। रेहान, मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, ये लो तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा, सालों से अपनी बेटी के लिए संभाल कर रखा था, ये बिल्कुल नया है और तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। आंटी, यारन का है, मैं कैसे पहन सकती हूँ? इस पर उसका हक है, आप रख दीजिए इसे। बहुत शुक्रिया आपका। ये उसको चूड़ा खराब करने से पहले सोचना चाहिए था, अब गलती कर दी है, सजा तो मिलेगी। वैसे जोड़ा बहुत खूबसूरत है, पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। कितनी खुशी से दे रही हूँ, अब ले भी लो, इसे पहनकर शहजादी लगोगी। बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया खानदान। ये सब मैंने अपने घर वालों के लिए किया है, अब बातों में वक्त जाया नहीं करो, सब मेहमान नीचे आ चुके हैं। रेहान, ऐसा करो कि तुम इसे अभी ट्राई करो। ये लो रख लो मेरे भाई। शुक्रिया। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। सो मेरे अजीज बेटे, वो लम्हा आ ही गया। इसके बाद गोनर तुम साथ रहोगे और मैं तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाऊंगी। इस दिन के इंतजार में मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन मेरा इंतजार रायगा नहीं गया। तुम अपने मकसद में कामयाब जरूर होगे।